एक तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई। मैंने उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे, जो लोग प्रैक्टिकली जिन्होंने दुआएं मांगी हैं, जिन्होंने बाहर आकर बात की है इस बारे में। ये मैं दूसरी दफ़ा पकड़ा गया हूँ इस रिजीम में, और जब इनका पहले रिजीम था तो मैं 7 मरतबा नौकरी से निकाला गया था, तब ये गिरफ़्तार नहीं करते थे। दहशतगर्दी का पर्चा इन्होंने मेरे पे पहले भी दिया था, तो ये मुकदमा तो पहले भी होते थे लेकिन गिरफ़्तार पहले नहीं करते थे। इस मरतबा सहूलतकार भी इनके साथ हैं, तो इसलिए शायद इनका हौसला ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ना सिर्फ ये मुकदमात करते हैं बल्कि ये गिरफ़्तार भी करते हैं, और ना सिर्फ ये गिरफ़्तार करते हैं बल्कि जिसको ये गिरफ़्तार करते हैं उसको सबक भी सिखाते हैं। तो इन्होंने तजर्बा यही किया और कोशिश यही की कि लोग बोलना छोड़ दें। बात असल में बात करने की है, अपने राइट को सरेंडर नहीं करना है, बस ये बात है। यानी मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बात करूँगा, जो नहीं लगता वो मैं नहीं करूँगा, और न्यूट्रल रहने का गुनाह मेरे से नहीं होता। यानी मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरे लिए ये बड़ा आसान है। यानी मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कहूँ जी मैं बैलेंस करना चाहता हूँ या मैं आज के बाद न्यूट्रल होना चाहता हूँ, तो ठीक है जी, ये वो जाने उनका काम, वो जाने उनका काम, और मैं बीच में से निकल जाऊँ, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। वजह यह है कि सही और गलत के बीच में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। जहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि ये आदमी ठीक कह रहा है और ये आदमी गलत कह रहा है, तो वहाँ पे आपको फिर वो कहना पड़ेगा कि भाई ये ठीक है और ये गलत है। ये नहीं हो सकता कि आप सही को सही और गलत को गलत इसलिए ना कहें कि जी मैं इन दोनों के बीच में न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। इसकी इजाज़त आपको आपका दीन भी नहीं देता, और इसकी इजाज़त आपको आपका ज़मीर भी नहीं देता। कभी पूछ कर देखें। यानी हम अपने बच्चों को ना शुरू से, हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा ना मुनाफ़त सिखाते हैं, उसी वक्त सिखाना शुरू कर देते हैं जब बच्चे से पूछते हैं बाबा अच्छे हैं या मम्मा। वो जिस वक्त वो बैलेंस करना शुरू, आपने देखा जो छोटा वाला होता है ना बहुत, वो फ़ौरन बताता है कि ये अच्छा है या ये अच्छी है, क्योंकि उसने उस वक्त तक सीखी नहीं होती। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम मुनाफ़त सीखते हैं, फिर हम कहते हैं दोनों अच्छे हैं, हालांकि हमें दोनों में से एक अच्छा लग रहा होता है और एक कम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं दोनों अच्छे हैं। वो हमने सीख शुरू हो जाता है हमारा वो काम। हम झूठ बोलना सीखते हैं, मुनाफ़त सीखते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर से ही सीखते हैं, झूठी तारीफ़ करना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आती हैं। फिर हम डरना सीख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, खौफज़दा होकर हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने नहीं किया, उसने किया होगा। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो कुछ बनेगा, और इसी एटीट्यूड को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैरी करते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। ये चीज़ें लाइफ में पीछे छूट जानी चाहिए। जब आप इल्म हासिल करते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब्दील हो जाती हैं। फिर आपको ये वाला एटीट्यूड जो चाइल्डिश है, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ या अम्मी अब्बू दोनों अच्छे हैं। नहीं, आपको फिर उसके बाद क्लैरिटी के, मैं वैसे ही मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात गलत है, और मैं ये वाली बात को गलत ही कहूँगा और ये वाली बात को ठीक ही कहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाली बात भी ठीक है तो फिर आप मुझे आर्गूमेंट के साथ कायल करें, ऐसे नहीं होगा। यानी मैंने उन लोगों से जो सहूलतकारी करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कोई करप्शन का केस है, नहीं जी नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, नहीं जी नहीं है, कोई मुल्क के साथ दुश्मनी की है, नहीं जी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई बड़ा केस, कोई बड़ा स्कैंडल कोई चीज़ तो लेकर आओ, नहीं है जी, मसला कह रही बात नहीं सुनता। तो भाई नहीं सुनता भाई, फिर अब इसका क्या करना है, नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता, तो हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं सुनी जा रही बात, तो आप भी बर्दाश्त करेंगे नहीं सुनी जा रही बात। भाई एक आदमी के ऊपर जब कोई एलिगेशन नहीं है ऐसा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ़ कैसे एक मुहिम का हिस्सा बन जाऊँ। हमारे 95% मीडिया ने वही किया जो छोटे बच्चे करते हैं, वही किया। उसी तरह उन्होंने, ऐसा लगा कि वो डर गए, वो जो उनको कहा गया वो उसी तरह चलना शुरू हो गए। जानवर थोड़ी हैं, टेम एनिमल्स थोड़ी हैं कि आप कहेंगे इधर को मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाएंगे, उधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, जो चीज़ दिमाग में आती है उसके साथ हम बात करते हैं। एक अजीबोगरीब किस्म के हम लोग माशर तलूम की ज़िंदगी में जी रहे थे, जहाँ हमें ये लगता था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की वफादार है। हमें ये लगता था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो फैसले करती है, चाहे वो बंद कमरों में करे, चाहे वो बंद कमरों के बाहर बैठ के करे,
हमें लगता था फैसले ठीक हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते थे उन चीज़ों को। और लेकिन इसके बावजूद एक रेड लाइन उस दौर में भी थी, यानी जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पे जो जो टॉर्चर के वाकयात हुए या किसी को एक घंटे के लिए भी उठाया गया तो हमने उसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट किया। मेरे आज भी बयानात मौजूद हैं, आप लोग लेकर जाइएगा, बेशक मैं आपको दे दूँगा कि कौन कौन सा सहाफ़ी जिससे मेरा बड़ा शदीद नज़रियाती इख्तलाफ है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ या उसको ज़्यादती हुई तो हमने कितनी आवाज़ उठाई। लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा। आज तो ऐसा लगता है हर मुखालिफ आवाज़ जिसको दबाया जाए उस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसे जो है वो इंजॉय किया जाता है। अब इस माहौल के अंदर हमारे पास जो बाकी बचा है ना दोस्तों, वो सिर्फ है बोलने का एक हक, बाकी तो सब कुछ छिन गया। फैसले आप कर नहीं सकते, राइट्स आपके हैं नहीं, इकॉनमी आपकी पूरी तरह तबाह हो गई है, फ्यूचर किसी को यहाँ नज़र नहीं आता, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, 8 लाख हमारे अच्छे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली हमें दबाया जा रहा है और हमारे चांसेस कम किए जा रहे हैं आगे बढ़ने के। अब जब हम सब कुछ खो चुके हैं तो आखिरी चीज़ बची क्या है? बोलने का एक हक। अब वो छीनने की तैयारी हो रही है हमारी आखिरी चीज़ भी।